दोस्तों, एवनी लेवल टेस्टिंग होने के बाद जब हम लोग एक्चुअल फील्ड में काम करने जाएंगे तो इस लेवल से हम लोग तीन तरह का मेजरमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। एक है स्लोप डिस्टेंस, एक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दूसरा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमारा जो सामग्री चाहिए वो है, आप देख ही सकते हैं कि एवनी लेवल है, इंस्ट्रूमेंट है, और ये है लेवलिंग स्टाफ और रेंजिंग रॉड्स और मेजरिंग टेप्स। तो ये सब लोग हमारा बहुत हेल्प करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो को आप देखते रहिए, ये आपका बहुत काम में लगेगा। ठीक है। स्लोप डिस्टेंस अभी हम लोग मेजर करने वाले हैं। तो स्लोप डिस्टेंस पहले मेजर करने से पहले पहले हमको ये जो एबनी लेवल है, इसका जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है, दोनों को हम लोगों को 0-0 पे सेट करना है। और जैसे कि हर एक एनुमरेटर का आई का जो हाइट है वो अलग होता है, तो इसीलिए जो एनुमरेटर ये सर्वे पहले स्टार्ट करेगा वो एंड तक उसी को करना पड़ेगा। वो एकदम सर्वे ख़त्म होने तक वही एनुमरेटर रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो आँख से जो आपका जो हाइट है, ग्राउंड का जो हाइट है, वो चेंज हो सकता है। तो मेरा जो आई से जो हमारा ग्राउंड का डिस्टेंस है वो आया है 1.59। तो सिमिलर तरीके से वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ का आप देख सकते हैं 1.59 कहाँ आता है, यहाँ पे हमारा जो है स्टाफमैन पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ से उस लेवल तक हमारा क्या वर्टिकल एंगल आता है वो हम लोग मेजर करने वाले हैं। तो हम लोग मेजर कर लिया। अब देखिए क्या रीडिंग आता है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो वर्नियर का जो जीरो है वो जीरो से राइट साइड में मूव किया है। इसका मतलब हमारा ये है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन में कितना आया आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्नियर का पे हमारा बाइसेक्ट किया है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे प्लस प्लस 9 डिग्री 40 मिनट। तो हमारा वर्टिकल एंगल आया प्लस प्लस 9 डिग्री 40 मिनट। अभी यहां से अगर हम जो दूसरा स्टाफमैन है वो यहां पे पकड़ेगा, और सिमिलर तरीके से 1.59 जो लेवल है, 1.59 लेवल से इसका डिस्टेंस मेजर करेगा। तो वो डिस्टेंस अगर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा स्लोप डिस्टेंस। 1.59 यहाँ है और यहाँ पे भी 1.59, ये दोनों का अगर देख सकते हैं, यहाँ पे जो रोड यहाँ पे गया है वो स्लोप में गया है। तो यहाँ 1.59 और वहाँ का 1.59, इसका अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस स्लोप डिस्टेंस बताएगा। तो स्लोप डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे। कितना आया बोलो? 6.86 मीटर है हमारा स्लोप डिस्टेंस। तो हम लोग ये नोट कर रहे हैं। दोस्तों, तो फील्ड में अभी हम लोगों ने जो रीडिंग लिया है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह है। यह है ए बी। ए बी क्या है? ए बी है हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनुमेरेटर जब लेवल मशीन पकड़ता है उसका आंख से लेके ग्राउंड तक इसका जो हाइट है यह है ए बी। तो ये 1.59 मीटर जो है, ये स्टाफ में भी सेम 1.59 में
हम लोगों ने मार्क किया था। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी विच इज 1.59 मीटर। अभी लेवल में हम लोगों ने जो रीडिंग मिला उसका रीडिंग आया था प्लस 9 डिग्री 40 मिनट। इसका मतलब है ये है 9 डिग्री 40 मिनट और इसका 1.59 और यहां से लेकर 1.59 का इसका जो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला इसका मतलब है एडी, एडी जो डिस्टेंस निकाला ये है 6.86 मीटर। तो हमें अभी निकालना है क्या, एक निकालेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। दो निकालेंगे उसका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और तीन हम लोग निकाल सकता है स्लोप परसेंटेज, ये भी हम निकाल सकते हैं। ये तीन चीज हमारा इस डाटा से अभी हम निकाल सकते हैं। तो कैसे, चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है AE। तो AE कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पे देख सकते हैं एंगल है 9 डिग्री 40 मिनट, इसका जो स्लोप डिस्टेंस है ये है 6.86। तो हम लोग निकालेंगे AE by AD is equal to cos 9 degree 40 minutes। तो AE कितना आएगा, AE आएगा AD into cos 9 degree 40 minutes। तो AD मिला हमको 6.86 और cos 9 degree 40 minutes आएगा 9.985। तो 0.985 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6.86 से तो हमारा आएगा 6.757 मीटर। तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया 6.757 मीटर। नेक्स्ट निकालेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इसको निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा मतलब CE जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है CE। तो CE निकालने के लिए हमको CD प्लस D करना पड़ेगा। तो CD का तो हमारा वैल्यू पता है 1.59, लेकिन DE का हमें निकालना है। तो DE निकालने के लिए क्या करेंगे, तो DE by AE is equal to 10 9 degree 40 minute। तो DE कितना आता है, DE आता है AE into 10 9 degree 40 minute। AE है हमें अभी अभी मिला 6.757 into 10 9 degree 40 minute हमें निकालना है। ये आता है 0.17। यह आएगा 1.15 ऑलमोस्ट। तो हमारा जो CD है वो है हमारा 1.59 और हमारा DE है 1.15। तो टोटल आता है
2.74, ये है हमारा डिस्टेंस, टोटल टारगेट है। ठीक है, तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मिल गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अभी हम लोग निकालेंगे स्लोप परसेंटेज। तो स्लोप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, स्लोप परसेंटेज हमें निकालने के लिए फॉल कितना होता है, कितना हुआ है ये देखना है, डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू 100। फॉल मतलब ये वाला, मतलब यहां से यहां कितना फॉल हुआ था, 1.15 हुआ था ना, तो फॉल हुआ था 1.15। लेंथ यहाँ पे ए कितना मिला हमको, 6.76 मिला ना, तो 6.76 मिला, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.15 डिवाइडेड बाय 6.76 इनटू 100। तो हमारा जो फॉल है, स्लोप का परसेंटेज है, वो है 17%। तो हमारा इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं फील्ड डाटा से, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और स्लोप परसेंटेज कितना है, ये सिर्फ एंगल और स्लोप डिस्टेंस की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो आगे चल के हमारा और भी नए नए वीडियो आएंगे, इसे देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।